और पिछले वर्ष भी हम लोग लगातार आपका अधिकार आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम चलाए थे, उसमें भी राज्यभर में कई समस्याएं सरकार के पास प्राप्त हुआ। लगभग राज्य स्तर पर 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए, उसमें हम लोग 36 लाख जरूरतमंद लोगों को हम लोगों ने लाभ देने काम किया। अभी राज्यभर में कई सभी जिला में सीनियर आईएएस का प्रभारी बनाया गया है इस कार्यक्रम लेकर के। यहाँ भी हमारे सचिव हैं प्रवीण टोपो जी, उठिया की समीक्षा करेंगे। सुविश्व जिला में सभी को जिम्मेवारी दी गई है, हमारे मुख्य सचिव साहब भी कहीं जा रहे हैं और लगातार चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारे माननीय मंत्री, हमारे जिले के जितने तमाम पदाधिकारी, ए से जेड तक सभी लोग एक ही उद्देश्य कि जो सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से जो लाभ मिलना चाहिए वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, इसीलिए हम लोग कहा कि पहले प्रखंड अंचल का चक्कर करना पड़ता था, जिला के चक्कर करना पड़ता था, कोई ऑनलाइन बोल रहा है, कोई ऑफलाइन बोल रहा है, कोई समझा को नहीं समझा, इसलिए हम लोग हर एक पंचायत में इस तरह का शिविर लगाकर समस्या भी सुन रहे हैं, निष्पादन भी कर रहे हैं और ये लगातार अभी चलता रहेगा। फिर हम लोग सेकेंड फेज का 2 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक शेष पंचायतों में चलेगा और 15 नवंबर के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम का समापन होगा। फिर हम लोग प्रमंडल स्तर पर इसका पूरा एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं कि किन जिला में कितने समस्या है, कितना हम लोग निष्पादन किए, ये लगातार जनता की जो संवाद है वो चलता रहेगा। बहुत ऐसे थे कि भाई हम लोगों को बात कोई सुनने वाला नहीं है, हम कहाँ जाएं, कोई मिलते नहीं हैं, तो जो बुनियादी समस्या था गांव में, खासकर कोई भी व्यक्ति गांव में गया तो पहले था बुढ़ा बुजुर्ग का कि पेंशन नहीं मिल रहा है और सीधे होता था चाहे मुखिया जी के द्वारा चाहे BDO साहब के द्वारा अब किसी भी सामाजिक नेता के द्वारा मैं टारगेट नहीं है क्या, तो टारगेट नहीं तो सरकार का लक्ष्य नहीं है तो कारण वो जिनका 70% अगर मिलेगा कैसे, तो वो BPL नंबर नहीं है। बहुत सारे बधाएँ थी, हम लोग चाहते थे कि हमारे मताएँ हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको सबको मिले, सभी लोग बोलते थे जब मर जाएंगे बाबू तभी मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, सभी मिल करके जितना बढ़ा दीजिए कम होगा। उन्होंने कहा कि जो गांव की जो बुनियादी समस्या है खासकर पेंशन, 60 वर्ष जिनका वोटर आईडी में है, आधार कार्ड में है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो कोई भेदभाव नहीं, पति पत्नी भी 60 वर्ष का दोनों को सभी को हम लोग पेंशन से जोड़ने काम करेंगे। और अभी गांव देहात में सभी खुशी का लहर है कि हम लोग पहले बहुत दौड़ते थे, अभी सभी को मिल रहा है, विधवा का कोई उम्र सीमा नहीं, या शादी हुआ कल कोई एक्सीडेंट में घटनाएं घट गई, 22 वर्ष का भी है उसको पेंशन मिलेगा, विकलांग है उसका विशेषाधिकार है उसका भी मिलेगा, इसके साथ साथ किन्हीं पास लेबर कार्ड नहीं है, किन्हीं का राशन कार्ड नहीं है, किन्हीं का जॉब कार्ड नहीं है, किन्हीं का आधार कार्ड नहीं है, अब ऑनलाइन करने गए तो वो कागज भुला दिया, कोई आधार कार्ड मिला नहीं मिला, बहुत परेशानी थी, लेकिन झारखंड सरकार ने संकल्प लिया कि जो आवश्यकता है उसको पूर्ति के लिए झारखंड सरकार हर तरह से सुविधा पहुँचाने का काम कर रही है। अभी कई विभाग है, खासकर हमारे कृषि विभाग व किसानों के लाभ के लिए कई योजनाएं चल रही है, लेकिन बहुत लोग योजना कर रही क्या, कब बीज बटेगा, कब चना मिलेगा, कब राहर बढ़ता है, कब बीज बढ़ता है, पता नहीं है। आने जाने से सभी लोग जानकारी होती है, नहीं वहाँ पर बीज को बटेगा, हमको वहाँ जाना है, लेने का क्या सिस्टम है, कहाँ पर मिलेगा, ये भी अनुभव हो रहा है सबको। हमारे विभाग श्रम विभाग से कई काम हो रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि श्रम विभाग मतलब क्या होता है, श्रम विभाग काम क्या है, समझ में किसी नहीं आता। जब श्रम विभाग का मंत्री बने थे तो सभी लगा कि श्रम विभाग कहाँ है, कोई पता नहीं, कब रुक
लेकिन जब कोविड आया पूरे देश में, पूरा प्रदेश में, जब अफरा तफरी का माहौल, छुआछूत, हाट बाजार सब बंद हो गया, ट्रेन प्लेन, तब लगा कि अब श्रम विभाग का काम क्या है, विभाग का कौन विभाग का क्या काम है, जब फिर राज्य भर के 8 लाख मजदूर विभिन्न राज्यों में है, बिल्कुल विभिन्न राज्यों में मजदूर फंसा हुआ था, अब उनका लाना है, कैसे आएगा, जो लाने के तो बात ही व्यवस्था है, जो जहां है वहां खाना उनको कैसे व्यवस्था हो, कंपनी भगा दिया है, कंपनी खाना नहीं दे रहा है, उसमें हम लोगों ने कंट्रोल रूम का गठन किए और कई सीनियर आई एस पदाधिकारी और उन्होंने नोडल पदाधिकारी बनाए और एक हेल्थ प्लान भी जारी किए और सभी लोगों ने दूरभाष पर सभी अपना अपना खाता नंबर दिया। हम लोग डीबीटी के माध्यम से सभी को 2,000-3,000 खाता में पैसा भेजने का काम किया कि कम से कम जहां है वहां पैसा निकालिए, खदान खरीदिए, जीवित रहिए और खाइए और फिर सर समय जैसे ही कोविड कम होगा तो आपको लाया मिल जाएगा। राज्य सरकार ने देश का पहला राज्य झारखंड है और पहला युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जो यहाँ पर श्रमिक ट्रेन प्रारंभ किए, सभी को लाए, साथ साथ हम लोग प्लेन से भी लाने काम किया, बगल को जो राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, वहाँ से भी लोग बस भेज करके यहाँ से मजदूरों को लाने काम किया। एक बहुत बड़ा श्रम विभाग यहाँ भूमिका रहा। अब धीरे धीरे समान स्थिति हो गई है राज्य में, अब विकास की दिशा हमें काम करना है और खासकर श्रम विभाग में जो लेबर काम करते हैं सभी लोगों के लिए बता दे रहे हैं कि जो जरूरी नहीं था निबंधन करा लेंगे और हमको गुजरात पंजाब जाना होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप पहले 110 रुपये लगता था निबंधन में, हमने निःशुल्क कर दिया। जो गांव देहात में जो अपना खेती बाड़ी जो श्रमिक काम करते हैं, गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं, लकड़ी काटते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, अपना खेत खलिहान में रहते हैं, सभी लोग निबंधन कराइए। निबंधन कराने से क्या होता है कि किसी तरह की कोई घटनाएं घटे, अप्रिय घटना, तो आपके जो कंपनसेशन है उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा आपको निःशुल्क इलाज होगा। जैसे किन्हीं व्यक्ति निबंधन है जिनको कुछ बीमारी पकड़ लिया है, मान लीजिए कि किडनी फेल हो गया, हृदय रोग से ग्रसित है, ऑपरेशन कराना है, उनके पास न गाय है, न भैंस है, न जमीन है, न बकरी है, न लकड़ी है, न सोना है, न चांदी है, तो बेचेगा कहाँ, इलाज कैसे होगा, तो इसके इलाज के लिए हमारे विभाग एसआई हॉस्पिटल नामकुम में है, हम 8 जिला को पैनल में जोड़े हैं, वहाँ भी इलाज शुरू है। जो भी इलाज में खर्च होगा उसका खर्चा राज्य सरकार देगी और जितना दिन आप बेड में रहिएगा उतना दिन 3 टाइम का खाना, रहने के लिए एकदम साफ सफाई, बेड की व्यवस्था और डॉक्टर सब दिल्ली का है, आपको आना जाना जो भी देखना है टाइम पर सब डॉक्टर का काम है और 10 दिन आप अगर इलाज में लगा तो 10 दिन का जो आपको पर डे का जो मजदूरी है वो आपको खाता में आप, ये सब लोगों को जानकारी नहीं है इसके।